नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मेरी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, ये एक प्रेशर ट्रांसमीटर है और जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये प्रेशर ट्रांसमीटर का माउंटिंग क्लैंप है और ये हमारा एक मेनली प्रेशर ट्रांसमीटर है। तो आज मैं आपको इसके सारे पार्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको अंदर से खोल के दिखाऊंगा एक प्रेशर ट्रांसमीटर अंदर से कैसा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका कवर खोल के दिखाता हूँ। मैं ये इसका फ्रंट कवर है, ये वाला। दोस्तों, ये इसकी डिस्प्ले है, ये इसका बैक कवर है और जो ये वाला एरिया है, ये हम ग्लैंड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से हमारा पावर ग्लैंड होता है ट्रांसमीटर को पावर करने के लिए। तो चलिए मैं इसका पीछे से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से पावर ग्लैंड केबल का ग्लैंड होगा, पावर केबल का। और यहाँ पे देखिए, पावर आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको इस टर्मिनल पे आपको पावर कनेक्ट करना है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे आपको पावर कनेक्ट करना होता है। और चलिए मैं आप फ्रंट में आता हूँ। फ्रंट में ये आपकी डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के नीचे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। फ्रंट में आपको डिस्प्ले के अलावा दो चीज़ें और दिख रही होंगी। ऊपर ये लो और हाई का एक सेफ्टी पिन है, ये देख लीजिए, ये भी हाई में कनेक्टेड था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब आपका ट्रांसमीटर फेल होता है या आपका पावर फेल होता है, उस कंडीशन में आपका ये हाई सिग्नल देगा, यानी मोर देन 20 मिलियम्स चला जाएगा। अगर हम इसको लो में सिलेक्शन करेंगे तो ये लेस देन 4 मिलियम्स आ जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए होता है। और आप नीचे देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी ऑन और ऑफ। तो दोस्तों, ये कब होता है, अगर आपको ट्रांसमीटर कैलिब्रेट करना है तो उस कंडीशन में आपको सिक्योरिटी ऑफ करके रखनी पड़ती है। अगर आप सिक्योरिटी ऑन करेंगे तो ये आपका कैलिब्रेशन नहीं लेगा। तो ये सिक्योरिटी उस कंडीशन में ऑन करके रखते हैं कि आपको एक बार कैलिब्रेट कर दिया, सिक्योरिटी ऑन करके छोड़ दिया, दोबारा आपको ये कैलिब्रेट नहीं करना है। कैलिब्रेट करने से पहले आपको इसकी सिक्योरिटी ऑफ करनी पड़ेगी। इसमें एक ऊपर जीरो और स्पैन का पुश बटन दिया हुआ है, जिसे हम 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो आपका जीरो और स्पैन की वो रीडिंग ले लेगा। जैसे कि अगर आप इसमें कोई प्रेशर नहीं है, चलिए मैं खोल के दिखा देता हूँ। अगर इसमें कोई प्रेशर नहीं है तो आप ये वाला बटन पुश करेंगे तो वो जीरो ले लेगा उसको, कोई नल प्रेशर को। और आप इसमें मैक्सिमम प्रेशर देके इस वाले बटन को प्रेस करके इसका 100% सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो ट्रांसमीटर है, ये 2.6 बार 2.4 बार मैक्सिमम तक आता है। तो दोस्तों, इस वाले ट्रांसमीटर में अगर आप 0 से 1 kg के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप 1 kg प्रेशर देके इसका स्पैन वाला बटन 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, 1 kg प्रेशर को वो 100% ले लेगा। मैं इसका ये डिस्प्ले खोल के आपको अंदर से इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट दिखाता हूँ। दोस्तों, इसका डिस्प्ले खुल गया है, ये 2 बोल्ट पे। 2 बोल्ट को खोल के मैंने इसका डिस्प्ले बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों, ये हमारा डिस्प्ले है और ये इन पिन के थ्रू इसे कनेक्ट होता है डिस्प्ले। और जो ये है, ये हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर इन पिन्स के थ्रू मिलती है। जो 2 पिन देख रहे हैं, जो आप पॉजिटिव नेगेटिव पीछे कनेक्ट करेंगे, ये 2 पिन इसको हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर करेगी। और जो ये रिबन वायर है, ये रिबन वायर क्या वर्क करता है, ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, जो इसके अंदर हमारा सेंसर लगा हुआ है, ट्रांसड्यूसर जो प्रेशर को मेजर करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्ट करके आपके डीसी पे सिग्नल भेजती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा प्रेशर कहाँ कनेक्ट होगा। दोस्तों, जो ये वाला पोर्ट देख रहे हैं आप, इस वाले पोर्ट पर हम अपने प्रेशर की ट्यूब करेंगे। और जो ये पीछे देख पा रहे हैं आप, जैसे ये हमारा वेंटिंग के लिए है। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि हम को रनिंग में इनमें बबल्स आने के चांसेस, तो बबल्स आ जाते हैं आपके प्रोसेस में, तो उसको वेंटिंग करने के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। इसको स्क्रू को लूज़ करेंगे तो इस वाले होल से ये वेंट हो जाता है। तो दोस्तों, मेनली प्रेशर ट्रांसमीटर का जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिखाया था और कुछ नहीं है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेशर ट्रांसमीटर को यूज़ करके दिखाऊंगा, प्रेशर ट्रांसमीटर प्रेशर देके और डिस्प्ले को पावर ऑन करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंस्ट्रूमेंटेशन वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।